नंबर आठ है, हमें सो करना है सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें ये सो करना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती हैं जिनकी तीनों साइड जो हैं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो भुजाएँ बराबर होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं, और उसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमें ये शो करना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसका जो प्रत्येक एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, ए बी किसके बराबर है, एसी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। जब ये इसके बराबर है तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। इफ़ अगर हम बात करते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, जब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, ये दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, तो एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम वन एंड टू से अगर हम दोनों से बात करेंगे तो क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों क्या इक्वल आपस में, तो मैंने ए ले लिया एंगल ए, बी की जगह एंगल ए, सी की जगह एंगल ए, ऐड करने के बाद कितना होगा, एंगल 3A। जब 3 जाएगा इसके डिवाइड में तो एंगल इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, इसको काटा कितना आ गया 60, तो एंगल ए कितना आ गया 60। ये भी किसके बराबर होगा, B के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, C के बराबर। तो ये तो क्वेश्चन जो थे, 8 क्वेश्चन थे इसके, तो पूरे हो गए एक्सरसाइज की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।